हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की इसमें बात करने वाला मोबाइल बोनजा सेल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मोबाइल बोनजा सेल आने वाली है, और ये जो साइट है अभी वेबसाइट पे मेंटेन करना बाकी है, मतलब वेबसाइट पे ये अपडेट अभी तक नहीं आई है। अगर आप अपने पीसी पे खोल के चेकआउट करते हैं मोबाइल बोनजा सेल के बारे में, तो आपको वहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा होगा। आपको ये चीज़ अभी सिर्फ मोबाइल के ऊपर देखने को मिल रही होगी। आज रात या कल तक आपको ये पोस्टर जो है, आपको लैंडिंग पेज जो है, आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत अमेजिंग डील्स हैं, और ये डील्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो कुछ भी चीज़ें मिस ना करें, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइज, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और ऐसे ही देख के जाना चाहते हो, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फेस कैम वीडियो नहीं डाल रहा, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब है। पिछली अगर आपने दो वीडियो देखी होगी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा बदतर है, बट ये आपकी डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ आपको, और बैंक ऑफर बताऊँ कि कितना डिस्काउंट मिलता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। लाल कलर का बटन होगा, उसे दबा देना। बेल आइकन आएगा, वो भी दबा देना। और कोई क्वेरीज होती है तो क्वेरीज के लिए मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहता हूँ। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो और अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सेल के बारे में, जो कि है 19 से 23 फरवरी तक। तो लेट स्टार्ट दी वीडियो। तो ये सबसे पहले ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे आपको बतानी है, समझानी है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि रियलमी 2 प्रो और ये मोबाइल बोनजा सेल, यहाँ पर ये चलेगा 4 दिन, यानी कि 19 फरवरी, फिर वो आपको मिलेगा 20, 21, 22 और 23। 9 बजे जो शाम को होता है, 9 बजे मतलब 19 तारीख से पहले 18 तारीख को जो रात होती है 9 बजे, 9 से 12 प्लस मेंबरशिप को ऑफर मिलेगा कि प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। जो प्राइस ड्रॉप होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो बैंक ऑफर होता है, बैंक ऑफर 19 तारीख रात 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा, पहले स्टार्ट नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि प्लस मेंबरशिप हो तो आपको ये देखने को मिल जाएगा पहले 3 घंटा, तो पहले 3 घंटे आपको बैंक ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको जो प्राइस ड्रॉप होते हैं वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है दो फोनों के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि है रियलमी 2 प्रो और रेडमी नोट 6 प्रो। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको कितना 10% का कितना डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं वीडियो के एंड में रखने वाला हूँ या बीच में कहीं डाल दूंगा। पहले मैं आपको बता दूँ, रियलमी 2 प्रो यहाँ पर 11,990 रुपये का दिखा रहा है। तो ये फोन होगा 12,990 रुपये का, जैसा कि आप सभी को बता रहा हूँ। आपको इसकी प्राइसिंग 12,990 रुपये देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन करते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या आप कुछ और ऑनलाइन पेमेंट मेथड रखते हो जैसे फोन पे, तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट तब मिलेगा। प्लस में अगर आप एक्सिस बैंक का कार्ड लगाते हैं तो 1,000 रुपये वो ऑफ मिलेगा, और साथ ही साथ जो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है वो ऑफ मिलेगा। तो दोनों कंबाइंड हो गए, ये फोन आपको 10,000 का अमेजिंग पड़ सकता है लमसम, इट्स के अराउंड। उसके बाद बात करते हो रेडमी नोट 6 प्रो का, तो इस दोनों फोन मतलब 4 GB 64 GB और 6 GB 64 GB दोनों के फोन का प्राइस हो जाएगा 13,000 रुपये, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये फोन अमेजिंग प्राइस है, आप 4 GB भी उसी दाम पे खरीद सकते हो और 6 GB भी। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये फोन आप ले सकते हो। आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 और M2 दोनों ही फोन का प्राइस ड्रॉप होके हो चुका है 8,500 रुपये 4 GB 64 GB का, और यहाँ पर 11,999 रुपये। तो ये अच्छा है फोन, आप ले सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रियलमी C1 की जो फ्लैश सेल चल रही थी 2 GB 32 GB की और 3 GB 32 GB की, वो सारे ओपन सेल में हो जाएंगे और सारे प्रोडक्ट आपको ओपन सेल में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ बात करते हैं मदर ऑफ ऑल डील, जो कि है 12,490 रुपये का। तो ये फ़ोन वीवो का V9 Pro, जो कि आपको अभी 15,000 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन इस सेल में प्राइस ड्रॉप होकर 12,490 रुपये का पड़ेगा। डिस्काउंट के साथ आपको इसमें मिलेगा 1,500 रुपये ऑफ, तो तब जाके 12,490 रुपये का हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इस फ़ोन का प्राइस इतना कम हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये 12,490 तब होगा जब आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए 12,490 रुपये हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक्सिस बैंक का कार्ड लगाते हो तो उसमें 10% का डिस्काउंट अलग देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद मोटरोला और रियलमी बाकी उन फ़ोनों के प्राइजेस कम हुए हैं, बट आपको मैं बता दूँ रियलमी 2 का जो प्राइस है वो कम नहीं होगा। रियलमी 2 प्रो 9,500 का था, वही रहेगा और वैसे ही बिकेगा 3 GB 32 GB, जैसा कि आप सभी को पता है। यहाँ पर बात करते हो पोको F1 पे, तो पोको F1 पे 3,000 तक का अप टू एक्सचेंज ऑफर चलेगा। अगर आप 5A लेके आते हो, रेडमी 5A, तो वहाँ पर आपको चांसेस है कि 4,000 से ज़्यादा का एक्सचेंज ऑफर देखने मिल जाए। तो यहाँ पर 4,000 कम होकर 13,000 रुपये का फ़ोन पड़ जाएगा, और साथ ही साथ बैंक ऑफर लगाते हो तो 12,000 या 12,500-11,000 का ये फ़ोन मिल जाएगा पोको F1, अगर आप परचेज करना चाहोगे। स्नैपड्रैगन 4845, ये काफ़ी अच्छा ऑफर है।
उसके बाद ऐसे ही आसूस का जेनफोन मैक्स 2 और इसके नोकिया 512। नोकिया 511 पे जो है बहुत अमेजिंग ऑफर आने वाला है, क्योंकि ये 5.1 जो प्लस है ये फोन अभी आपको देखने को मिल जाता है 3 GB 32 GB वाला वेरियंट 9999 का, तो ये 7999 में होगा और इसके साथ बैंक ऑफर अलग से लगेगा। तो ये फोन काफी अमेजिंग होने वाला है। मैं आपसे लोगों को बता दूं कि नोकिया 5.1 प्लस काफी अमेजिंग होने वाला है इस सेल में। उसके बाद सभी लोगों के प्राइस जो फोन के प्राइस थे वो ड्रॉप होंगे होंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद बात करता हूँ ओप्पो का K1, जो कि आपको जस्ट 5990 और लोअर पे पड़ रहा है। ये आपका EMI प्राइस है, जो कि आपको मैं बता दूं अगर आप EMI पे खरीदना चाहते हो तो आप इतना पे करके आप ओप्पो का K1 ले सकते हो, जो कि एक अमेजिंग है। आपको कैसे होगा मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। तो फ्लिपकार्ट का प्राइस है 16999 रुपये, अगर आप बाई बैक गारंटी लेते हो तो वो आपको पड़ती है 99 रुपीज़ की, यानी कि अगर आप कभी भी फ़ोन को बेचना चाहोगे तो फ्लिपकार्ट के ऊपर वो 11900 रुपये कम से कम मिलेगा 8 महीने के अंदर अंदर। तो आपको इफेक्टिव वैल्यू पड़ता है 5990 रुपये, जो कि अच्छी प्राइस है, और साथ ही साथ 10% का डिस्काउंट लगाते हो तो इसके साथ भी आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ एक अच्छे फ़ोन के बारे में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी, जो कि 21 फरवरी को लॉन्च होगा। इसकी सेल शायद 21 फरवरी के बाद से 22 को आ जाएगी सैमसंग गैलेक्सी 10 की। उसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट देखने मिलेगा एक HDFC का और एक्सिस का, आप दोनों ही लगा के परचेज कर सकते हो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो। ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा कि सैमसंग ने इस टाइम ये प्लेटफॉर्म चुना और सही टाइम पे चुना, क्योंकि गैलेक्सी के जो सीरीज के फ़ोन होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब हाई एंड क्वालिटी प्रोसेसर होते हैं। तो ये आप ले सकते हो और साथ ही साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, टू मच नहीं होगा लेकिन इफेक्टिव होगा, तो ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा। और बाकी छोटे मोटे डील्स एंड ऑफर आपको सभी नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं फ्लैगशिप फ़ोनों के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप वीवो का नेक्स्ट ऑर्डर करते हो तो 5000 ऑफ मिलेगा प्रीपेड, मतलब 40000 है तो इसका प्राइस 35000 हो जाएगा। प्लस में एक्सिस का आप ऑफर लगा सकते हो, ये अच्छी बात है, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये सारे प्रीपेड ऑर्डर पे आपको 5000 पे ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ आप बैंक ऑफर भी लगा सकते हो। तो ये सारे अमेजिंग ऑफर थे और जहाँ पर आपको बाई बैक और जो प्रोटेक्शन होता है 99 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सिस बैंक के 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के बारे में। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो आपको एक्सिस बैंक में देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों के ही ऊपर। अगर आपको बस डेबिट कार्ड है तब भी आपको सेम डिस्काउंट देखने मिलेगा और क्रेडिट कार्ड है तब भी। अब बात करते हो कितना डिस्काउंट देखने मिलेगा, तो ऐसा बताया जा रहा है मोबाइल बॉन्जा सेल में ये होगा मैक्सिमम जो डिस्काउंट है 1500 रुपये के आसपास का आपको डिस्काउंट देखने में मिलेगा, मे भी कम भी हो सकता है शायद 1000 रुपये एक कार्ड के ऊपर, लेकिन 1000 रुपये मुझे लगता नहीं है। लेकिन जो फरवरी का जो रूल लागू हुआ है 1 फरवरी से, उसके बाद मेरे ख्याल से ये 1000 रुपये सूटेबल रहेगा। आप लोग बताना अगर 1000 रुपये होता है तो क्या आप खुश होंगे, बट मेरी एक्सपेक्टेशन और लीक एंड सोर्सेज के हिसाब से दो न्यूज़ आ रही है, या तो ये 1500 रुपये होगा या 1750 रुपये पिछली बार की तरह। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कितना देखने को मांगते हो। अगर आपको लगता है कि ये 1000 रुपये हो सकता है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है, एक एक्सपेक्ट बताया जा रहा है कि 1000 रुपये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें बिग बिलियन डेज में भी डिस्काउंट देना ज़्यादा, तो 1000 रुपये डिस्काउंट देंगे एक कार्ड के ऊपर। अगर 1000 रुपये देते हैं तो आपका दिल क्या कहेगा उस वक्त, तो जरूर मुझे बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना दिल खोल के। मैं एम कर रहा हूँ कम से कम 121 लाइक के लिए, तो प्लीज़ यार 121 लाइक कर देना। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.